कुछ ज्यादा जिम्मा नहीं करूँगा। ओम शांति। संदीप भाई कैसे बोलते थे ओम शांति मान? ओम शांति। फोन पर कभी भी बहनों को जब फोन करते थे तो बहुत लंबी चौड़ी ओम शांति कहते थे। मैं भी देखती रहती थी भाई को कि भाई कितने धीरे से ओम शांति कर रहे बहनों को। बहने भी ऐसे भी फोन आता था ओम शांति कर देते अपन जल्दी से, लेकिन उनकी बहुत धीमे कह रही थी से ओम शांति होती थी। याद तो बहुत आती है भाई, क्या कभी भूल नहीं पाएंगे, जैसे बाबा को भूल नहीं पाते। से अपने जोन में एक हीरा था, एक हीरा चला गया, दूसरा हीरा भी चला गया भाई। शांताराम भाई थे हमारे, वो भी चले गए और अब संदीप भाई भी चले, लेकिन वो गए किस लिए? जरूर कुछ ना कुछ बाबा को कुछ नया प्लान होगा उनके लिए और उनकी इच्छा है पूरी करने के लिए, इसलिए बाबा ने अपने पास बुला लिया। वैसे 6 मास से उन्होंने कुछ भी खाया नहीं था। बहुत टोली बहुत पसंद थी, जब भी बहने आती थी टोली लेकर आती थी भाई के लिए। मैं ज्यादा क्या सुनाऊं अभी आप सबको, मैं जब एक बारी मिली, मिलने को ऊपर गई तो कहने लगे रोना नहीं बोले। मुझे याद आ रही थी कि रोना नहीं बोले। मैंने कहा भाई इसने के आंसू तो आते हैं ना, भले हमको दुख के आंसू नहीं है लेकिन इसने के आते हैं, याद आती। बोले मेरे सिर पे हाथ रख दो बस, तो हाथ घुमाया। और मैंने तो वैसे अग्नि संस्कार के समय सुनाई दिया कैसे यज्ञ के अंदर वो सहयोगी बने, कैसे आगे बढ़ाया। तो एक भाई मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा दीदी आपका राइट हैंड चला गया। मैंने कहा भाई चला नहीं गया, वो है और भी सेवा करने के लिए गया है, बाबा ने उनको भेज दिया है। देखो हमारे इतने हैंड से तैयार करके गया है, हमारे सब कुमार इतने तैयार हो गए हैं, इतनी बहनें तैयार हो गई है। तो हम सिर्फ 5 बहनें थी जलगांव जोन में, गिनी चुनी कितनी 5 5 कन्याएं, हमारी इंदिरा बहन, मीरा बहन, मैं और एक पुष्पा बहन और कौन थी, जानकी बहन है सर। हाँ ऐसे हम 5 बहनें शुरू शुरू में थी दीदी के पास। फिर धीरे धीरे जैसे हमारे राजू भाई संदीप भाई ने अपना जीवन समर्पण कर लिया, सेकंड में वायदा कर लिया उसने, सेकंड में सौदा कर लिया कि बस दीदी मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ एक संकल्प में, धक से जैसे बलि चढ़ते हैं ना, ऐसे धक से बलि चढ़ गया और ये हो गया, बस समर्पित हो गया, सेवा में हाजिर हो गया। जब चाहे तब सेवा में हाजी हाजी का पाठ पढ़ते थे, बहुत ही अच्छी। अभी हमारी हम लोग, मैं आपको छोटा सा एक अनुभव सुनाती। अभी हमारी हम मेरे को भी थोड़ी तकलीफ थी साइटिका की, तो मैंने कहा चलो, तो हमारी बहन मंगला बहन प्रांजलि बहन बोलने लगी अपन जाएंगे। बोले दीदी कहाँ? बोले विजयवाड़ा जाएंगे। बोले मैंने कहा चलो जाएंगे, सर्विसिंग करा के आएंगे, लेकिन संदीप भाई की तबीयत ऐसी है क्या करे। नहीं बोले संदीप भाई को बाबा को संदेश दे देंगे कि बाबा जब तक हम नहीं आते तब तक बाबा को अपने गोद में, संदीप भाई को अपने गोद में रखना, ऐसे तो अर्जी डाल दी थी हमने। तो मंगला बहन ने, मैंने बाबा के पास अमृत वेले कह दिया था। और सचमुच बाबा की कमाल है, हमारे संकल्पों को कैसा बाबा कैच कर लेता है। नहीं तो सचिन डॉक्टर ने फोन कर दिया था कि भाई भरोसा नहीं है, कल सब को बुला लो। बोले परिवार वालों को सबको बुला लो मिलने के लिए, जिनको मिलने आना आ जावे।
तो कहीं गए भी मिलने के लिए, कुमार भी गए, माता ये बहन भी गई उनकी लौकिक में, मैं भी जाने वाली थी। अभी 21 तारीख को हमारी मीटिंग थी, तो मैंने कहा मैं भी जाके आती, मिल के आती। हमारी मंगला बहन बोले आप में जीव अटक रहा था, आप दृष्टि देकर आ जाओ बोले। मेरे को ऐसे बोलने लगी मंगला बहन। मैंने कहा मेरे में जीव नहीं अटका है, वो कभी किसी मैंने देखा, वो बहुत उपराम था भाई, उनकी स्थिति बहुत टॉप वाली थी। माँ में भी उनका मोह नहीं था, मेरे में भी मोह नहीं था, न किसी में भी मोह नहीं था। हाँ मीठा पसंद आता था, लेकिन 6 मास से उन्होंने मीठा चीज को त्याग कर दिया था अच्छी तरह से। 6 मास से मिठाई नहीं खाई थी। देखो त्याग, और त्याग माना त्याग, एक बार हाँ ना बोला तो ना, ऐसी स्थिति तो ये नहीं करना तो ये नहीं करेंगे, बस उपास रखना है तो उपास ही रखूंगा, ऐसी स्थिति थी। बहुत पक्का एकदम बाबा का निश्चयबद्धी बच्चा था। और ऐसे मीठे मीठे झगड़े तो वो चलते रहते थे, मिठास में स्नेह में होता रहता था ऊपर नीचे, लेकिन स्थिति अपनी संभाल लेता था, हम भी उसको संभाल लेते थे। हमारी बहनें भी उनके अवगुणों को नहीं देखती थी, गुण को देखकर सब ये हो जाती थी, खुश हो जाती थी, संतुष्ट हो जाती थी। हमारे भाई बहनों को भी मैंने बाबा पे अर्जी डाली थी, बाबा एक जोन में ऐसा भाई चाहिए जो सबको संभाल के चले और यज्ञ को कारोबार भी अच्छी तरह से चला सके। क्योंकि मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं भी बस 11वीं पास हूँ, तो मैंने बाबा के पास मैं भट्टी करती थी, रोज तपस्या करती थी। हम लोग रोज जलगांव जोन में रोज अमृत वेले के रात रात हम भट्टी तपस्या करते थे कि हमारा जोन निर्विघ्न बना रहे। बाबा कहते हैं ना निर्विघ्न रहना चाहिए, तो हम भट्टियां करते थे शांताराम भाई मिलके। हम रात रात संदीप भाई भी बैठे रहते थे, मैं देखती थी ये तपस्वी आत्मा, देखो। मैंने कहा बाबा इस बच्चे को निमित्त बना दो आप, तो सचमुच बाबा ने मेरे संकल्पों को पूरा किया और उस आत्मा को बिल्कुल सेकंड में उसने वायदा कर लिया, प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा के घर में एक संकल्प किया तो उसको उसने तोड़ा नहीं। सदा विघ्न तो बहुत आए, परीक्षा भी बहुत आई उसके सामने, शारीरिक पेपर तो कितना बड़ा आया, लेकिन 10 साल तक उसको बोनस लाइफ मिल गई। लेकिन 11वें में वना ये जो 10 साल के बाद 11वें साल में उनको फिर से झटके आने लगे, तो हमने जल्दी से जल्दी बॉम्बे भेजा। तो डॉक्टर पुजारी ने कहा, बोले मैं तो सोच रहा हूँ, वो भी थोड़ा सोचने लगे, उन्होंने भी बहुत सोचा, फिर उसके बाद में उनका ऑपरेशन किया। लेकिन बोले मैं तीसरा ऑपरेशन नहीं करूँगा, बोले। हमारे को हमारे रवि भाई गए थे, डॉक्टर किरण भाई के भाई, और हमारे उदय भाई उनके साथ गए थे। पहले ऑपरेशन में हमारी नीता बहन और वर्षा बहन गई थी, मेरे को आने नहीं दिया, नहीं बोले आप जल्दी रो देते हो, बोले आप देख नहीं सकेंगे मेरा ऑपरेशन, ऐसा बोलते थे मुझे। और मेरे ऑपरेशन के टाइम भी मैं दोनों घुटनों का रिप्लेसमेंट किया ना, उस टाइम मेरे को बहुत हिम्मत दी उन्होंने कि नहीं नहीं दीदी कर लो आप चल सकेंगे दौड़ सकेंगे, आपको भी खूब सेवा करनी है, ऐसे ऐसे मेरे को उमंगों सा दे के मेरा ऑपरेशन करवा लिया। और मैंने भी हिम्मत रखी कि नहीं, हमारी मंगला बहन देख रही है सामने गुलोबा हॉस्पिटल की बैठी, बोले नहीं नहीं कर लो आपको करना ही है। तो फिर मैं बाबा के पास बैठी, बाबा ये शरीर तेरा है, तेरे को आपको जो करना है वो करो, बस ऐसी निश्चिंत हो गए। तो बस ऑपरेशन भी हो गया, अच्छी भी हो गई, चलने भी लग गई। तो भाई का ऐसा हुआ, तो फिर मैंने कहा कि देखो कैसा ये बाबा का बच्चा अपने को मंगो सा भर रहा है। हमारी प्रांजलि बहन भी मेरे साथ थी, ऐसे उन्होंने भी दोनों ने मंगोत्सव भर के, मधुवन निवासी कुमार तो बस रोज आते थे ऐसे और मंगोत्सव देते थे। तो भाई हमारे बहुत ही सबको मंगोत्सव दे देते थे, अभी भी बहनों को बहुत मंगोत्सव देते थे और आगे बढ़ाते थे, खुद भी बढ़ते थे आगे, दूसरों को भी आगे बढ़ाते थे, एक विशेषता थी उनमें। तो मैं ये बताना चाहती थी कि मंगला बहन और हम 16 तारीख को सुबह पहुंचे वहां से विजयवाड़ा से, हमारी सर्विसिंग कराने गए थे हम शरीर की, और बाबा को बोला था तो 16 तारीख को सुबह पहुंचे, और उसी दिन रात को 11:30 बजे पहले फोन आया एक बारी राजू भाई का कि भाई बहुत सीरियस है तबियत। हम सब योग में बैठ गए बाबा के पास बैठे कि बाबा इस बच्चे को आप 6 मास से बेड पर है, बेड सोल भी हो गया था, लेकिन वो वहाँ मधुबन जाके बहुत अच्छे हो गए थे, मेरे को तो इतना खुशी हुई। हाँ वो भी सुना, तो
हम 16 तारीख को आए, 11:30 बजे शरीर छोड़ा। उसके पहले 16 तारीख को क्या हुआ, मंगला बहन को कहा चलो ना भाई आप आते नहीं ऐसे देख, रात में आ जाते प्रोग्राम रहता चले जाते। हाँ बोले दीदी मैं भी चलती हूँ। प्रांजलि बहन हम लोग सब आए थे यहाँ रिट्रीट सेंटर में देखने के लिए। हम बाबा के कमरे में गए, इधर झोपड़ी बनी है ना पीछे, आप सब देखना जरूर जाना वहाँ। तो क्या हुआ, जैसे हम कदम रखे और बैठे ऐसे बाबा का चित्र गिर गया, हवा नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं। तो मैं बोला कुछ तो भी है, ऑटोमेटिक गिर गया। तो हमने सोचा कुछ तो भी है, तो फिर बाबा ने इशारा कर दिया था कहने का मतलब। और 11:30 बजे देखो समाचार मिला, शरीर छोड़ दिया, बाबा के पास चला गया। मीठा बच्चा प्यारा, सबका लाडला था, सबका प्यारा था वो, इसके द्वारा बाबा कुछ और कार्य कराए। हमको भी बोल के रोना नहीं, बोले रोना नहीं। मैंने कहा मेरे में रो संस्कार है रोने के भाई साहब, मैं जल्दी बहुत क्या बोलते इंग्लिश में उसको, इमोशनल हूँ क्या, इमोशनल हूँ मैं बहुत जल्दी, मेरे को आंखों में बहुत आंसू आते। नहीं बोले कहीं आपको कंट्रोल करना पड़ेगा बोले। अच्छा मैंने कहा ठीक है। तो यानी कहने का मतलब मेरा बहुत भाई नम्र उचित वाला भी था, सब में मिल जाता था, छोटे बच्चों से भी प्यार करता था। अरे छोटे बच्चे उसके सामने आए कि बस उनसे बस आधा पौन घंटा तो खेल लेता था, उनसे बातें कर लेता था, रूरियांग कर लेता था, ऐसे सबको अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देते थे। अवगुण तो सब में होते, एक हाथ होता ही है, कुछ न कुछ हमारे में भी है, अभी भी है। बाबा कहता संपूर्ण तो कोई बना नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने यज्ञ की बहुत अच्छी तरह से पालना की, यज्ञ रक्षक बन के बहुत बहुत साथ दिया। कहने का मतलब यज्ञ को बहुत साथ दिया। मैं तो धन्य धन्य कहूंगी शिव बाबा को कि ऐसी आत्मा को खूब खूब आप सुख शांति से अच्छे घर में फले फूले और जाके बहुत सेवा करे अनेक आत्माओं की। यही मेरी उन आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना है। आबाद रहे सदा और सबकी दुआएं प्राप्त करे। बाकी तो बहुत बोलने को है, समय हो गया, समय 1 बज रहा है। आप सबको भी ब्रह्मा भोजन बाबा ने तो स्वीकार किया, संदेश भी लाया। मैंने रुक्मणी दादी को भी बोला था बाबा के लिए संदेश लेकर आओ, ध्यान में जाकर बाबा को बताओ संदीप भाई बहुत दिन से बेड पर है ऐसे ऐसे। तो बाबा ने कहा बच्चे हिसाब किताब पूरा कर रहा है ये, और ये बच्चा सेवाधारी है, ऐसे बाबा ने रुक्मणी दादी से भी समाचार दिया। इस बारी भी फिर मेरे को मालूम पड़ा, हमारी बहन ने बताया कि वो बहन जी जहाँ है हिसार में, हिसार नहीं सिरोही में, सिरोही में वो बहन ध्यान में जाती है, उनको आप फोन करके बताओ। तो मैंने उनको बताया गुरुवार के दिन बाबा का संदेश लेकर आना। तो गुरुवार को भोग लगाया उसने और संदेश आप सबने सुना, बाबा के पास चला गया है बच्चा कुछ न कुछ सेव। और उनकी ये इच्छा थी दोनों की, शांताराम भाई और संदीप भाई की, कि जल्दी से जल्दी रिट्रीट सेंटर बने और सब कुमारों को सेवा अच्छी तरह से मिल जाए। क्योंकि सब क्या कहते थे हमेशा, दीदी सेंटर में तो बहने रह जाती है, हमारी कन्याओं को तो रख लेते आप, हमको कौन रखेगा, ऐसे कहते थे। और संदीप भाई तो रहते हैं सेंटर में, लेकिन हम कब रहेंगे, हम कब सेवा करेंगे। तो मैंने कहा, और हम दोनों की बहुत संकल्प थे तीनों के, मैंने कहा बनाना ही है कुछ भी हो सेंटर, अपने को बड़ा से बड़ा बनाना है। जो सारे देखो आज हॉल इतना बड़ा रहता तो आप अच्छी तरह से बैठ सकते थे, रह सकते थे का, लेकिन यहाँ पे मंडप डालना पड़ा भी हॉल बन। तो आप सबको मेरी यही विनंती है कि उनकी संकल्पों को आप सब पूरा करेंगे, मिल करेंगे या नहीं करेंगे बोलो। हाँ ये जल्दी से जल्दी हॉल बन जाए, वह बहुत अच्छी तरह से रहने की व्यवस्था आप सबकी हो जाए, तो हमारी बहनें भी आ जाइए और चली जाएंगी उड़ के, मेरे को कैसे तो भी लगता है कि खाएंगे चली जाएंगी बस। तो रहे एक दिन आराम से अच्छी तरह से भट्टिया करे, ऐसा हमारा संकल्प था शांताराम भाई का, राज संदीप भाई का, सभी कुमारों का भी यही संकल्प है। और कुमार भी बहुत दिल से सेवा कर रहे, मैं देख रही हूँ अभी भी रिट्रीट सेंटर के, बहुत अच्छी दिल से सेवा करते हैं और धूप नहीं देखते, पानी नहीं देखते, ठंडी नहीं देखते, भागते रहते दौड़ते रहते हैं। और उनके लिए ये और बहनों के लिए, आप सबके लिए बन रहा है।
इसके लिए आप सब भी इतने दिल से सहयोगी बने और ये बहुत अच्छी तरह से इंद्रप्रस्थ खड़ा कर देवे। जैसे पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बनाया था ना भगवान जी ने शिव कृष्ण, अब श्री कृष्ण तो वो तो सत्ययुग में था, लेकिन अभी संगम युग में शिव बाबा हम सब के लिए इंद्रप्रस्थ बना रहा है। उसमें आप सबकी एक उंगली अवश्य चाहिए, अवश्य देना है। तन से दो, मन से दो, पूरा धन लगा दो। आज बाबा ने कहा ना, कहा तुम्हारे पास जो कुछ है वो सफल कर दो, सफल करेंगे और सफलता मिलती रहेगी। और तुमको मैंने इतने खजाने दे दिए भरपूर, ऐसे भरपूर खजानों से आप भरपूर रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। हमारे भाई भी ऐसे उड़ते थे, उड़ाते रहते थे। फिर बीच बीच में डॉक्टर ने उनको बोला था गाड़ी नहीं चलाना, गाड़ी नहीं चलाना, उस पर नहीं बैठना, क्या बोलते हो, इंटरनेट क्या, कंप्यूटर पर नहीं बैठना, फोन भी दूर रखना बोले, ऐसा सब बता दिया था डॉक्टर ने, है ना। उससे वो कुछ तो भी किरणें ऐसी कुछ मिलता है, पता नहीं क्या क्या है आजकल दुनिया में तो बहुत चल रहा है। तो कहने का भाव अर्थ ये, आप लोग भी इससे दूर रहना, अपनी तबीयत से सदा संतुष्ट रखना, सब बहनें भी तंदुरुस्त रहे, सब परिवार हमारा ब्राह्मण परिवार बहुत संतुष्ट रहे, तंदुरुस्त रहे, यही हमारी संदीप भाई के लिए भी शुभकामना शुभकामना है। श्रद्धांजलि देती हूँ उनको दिल से, जिगर से, कि उन्होंने बहुत बहुत यज्ञ को संभाला, बाबा उनको संभालेंगे, उनके द्वारा बहुत कार्य कराएंगे, ऊँचे से ऊँचा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, और एडवांस पार्टी में गए, बाबा के गोद में समा गए। ओम शांति शांति शांति। ज्यादा समय नहीं लेते।